गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बिस्टन बॉय में। मैं हूं आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूं बहुत 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 ही अच्छे होंगे। सो कल के वीडियो के लिए आई एम रियली रियली सॉरी यार, कल का वीडियो में मैंने दो तीन चीज़ गलत बोल दिया था, उसके लिए माफ़ कर दूँ, मैं मतलब आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो आज का वीडियो में मैंने वही वीडियो का मतलब थोड़ा और चेंज करके लाया हूँ। ये जो आपका कैरेक्टर है उसका पूरा गेम प्ले है, पूरा कैरेक्टर का रिव्यू एकदम 100% है और पूरा गेम प्ले है। और जो गन आने वाला है CG-15 उसका पूरा रिव्यू है, कैसे गन का डैमेज है, पूरा गन का मतलब गेम प्ले है एंड ग्राफिक्स का गेम प्ले है और कहाँ का जिपलाइन आने वाला है, पूरा गेम प्ले आप यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हो। तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक देखना, 10 मिनट का हो तो फिर भी प्लस थोड़ा टाइम दे दो। एंड वीडियो का अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको मतलब वीडियो का मज़ा ही अलग आ जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख लेना। और इस वीडियो का एम है, लाइक एम है पूरा 1220 लाइक का, तो ठोको लाइक यार। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर देना, क्योंकि सब लीग यहीं पे मिलेगा, नया अपडेट सब मिलेगा। तो कल का वीडियो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देख लो, पूरा मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। मैं अभी पूरा गेम प्ले आपको दिखाऊंगा, तो गेम प्ले में मैं बताऊंगा क्या क्या है, कहाँ पे ग्राफिक्स अच्छे हैं। सो गाइस ये है आपका जो नया कैरेक्टर, तो इसका कैरेक्टर मैं बाद में बोलूँगा, कैरेक्टर का जो एबिलिटी एंड क्या क्या उसका आप देख सकते हो, तो कितना मस्त कैरेक्टर है। एंड ग्राफिक्स की बात की जाए तो ग्राफिक्स एकदम हाई लेवल का हो चुका है। अगर आप समझ लो रियलिस्टिक गेम हो चुका है और दूर दूर तक मतलब आपका जो रेंज है वो भी रेंज बढ़ा दिया गया है। एंड आप देख सकते हो पीक में जितने भी घास है, जो ग्रास है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ग्रास जो पहले नहीं था अभी उसका थोड़ा हाइट और ऊँचा कर दिया गया है और थोड़ा घना कर दिया गया है। एंड ये जो कैरेक्टर है अभी वही कैरेक्टर है जो नया वाला कैरेक्टर, ये हमारा वीडियो नहीं है, ये मतलब इंडोनेशिया का है, कि इंडोनेशिया में अपडेट आ चुका है एंड दूसरे कंट्री में भी अंडर जो मतलब ये क्या कहते हैं अपडेट आ चुका है। तो हमारा इंडिया में अपडेट 8 तारीख मेरे हिसाब से ये महीने का जो मई 8 को आ सकता है, मेरा पूरा कन्फर्म नहीं हो, लेकिन हाँ 8 तारीख को आने का मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, तो 8 तारीख को शायद आपको मिल जाए। सो बताने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा ग्राफिक्स चेंज हो चुके हैं, जो ग्रास है वो भी चेंज हो चुका है, ग्रास भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। एंड ग्राफिक्स की बात की जाए तो मतलब इतना हाई ग्राफिक्स दिया गया है ना, पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। आप अगर गेम को पूरा ध्यान से देखोगे, जो पत्थर है, जो मिट्टी है एंड जो घास है वो पूरा मतलब रियलिस्टिक है। एंड हवा में जो हवा के साथ जो हिल रहा है जो ग्रास है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है हाँ मतलब कोई बंदा, रियल बंदा यहाँ पे मतलब गेम खेल रहा है, जो रियल आदमी है। और ये गन की बात कर लेते हैं अभी, जो CG-15 है तो ये एक इलेक्ट्रिकल गन जैसा ही होगा, इसमें SMG-MO होगा, ठीक है। इसमें दो फायदे होंगे, एक फ़ायदा अगर आप बिना एम करके गोली मारते तो 25-22 ऐसे डैमेज देगा, और अगर आप इसे जूम करते हो, जूम करने के बाद इसका जो लोड होता है, अगर आप उसको पूरा 100 तक पावर लोड कर लेते हो, उसके बाद अगर आप गोली चलाओगे तो बंदे के ऊपर 185 डैमेज होगा, ठीक है, 185 डैमेज होगा, समझ लेना 185, ठीक है, नॉर्मल डैमेज नहीं है, AWM का पास ही ये डैमेज होता है। तो 185 to 187 तक ऐसा मतलब इसका डैमेज होगा अगर आप जूम करके पूरा पावर 100 तक लोड करके गोली मारते हो। तो ये देखो 0% है, तो ये पूरा 100 जब हो जाएगा, 100 होने के बाद जब आप गोली करोगे एनिमी को, तो पूरा आपको 187-189 तक इसका डैमेज आप एनिमी के ऊपर दे सकते हो। मतलब एक गोली हेडशॉट मारोगे तो वो ख़त्म, अगर बॉडी शॉट 2 मारोगे तो बंदा का काम ख़त्म। एंड बात कर लेते हैं इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्कोप नहीं लगेगा, ये जितना स्कोप यहाँ पे दिखा रहा है उतना स्कोप होगा। एंड अगर आप इसके मतलब ये करते हैं क्या कहते हैं उसे, अगर आप इसको नॉर्मली अगर बिना एम करके फायर करते हैं तो ये एक SMG की तरह काम करेगा, जो मतलब नॉर्मल गन का होता है SMG का, तो कुछ इस तरह ही इसका ये होगा। एंड जिपलाइन देख सकते हो आप पूरा यहाँ से लेके पिक से लेके कोचिनोक तक जिपलाइन लगा हुआ है, तो ये जिपलाइन आपको देखने को मिलेगा, ये जो हमारा पिक के नीचे घर है वहाँ पर आपको जिपलाइन देखने को मिलेगा। एंड दूसरे साइड में भी जिपलाइन है, मैं जिपलाइन दिखाऊंगा बाद में, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और ये जो गन है, मैं गन की बात कर लूँ, गन का पूरा डैमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा 180 तक इसका डैमेज है। अगर हेडशॉट मारो तो सीधा मतलब एक ही गोली का मतलब ज़्यादा एक ही गोली हो जाएगा, और सिंपल गोली करने से ये देख सकते हो आप, अगर जीना बिना एम करके गोली मारने से ये 20-25 डैमेज देता है। और अगर आपने इसको पूरा 100 तक लूट करके गोली मारा तो इसका मिनिमम 187 to 180 मतलब ऐसा डैमेज देगा। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा गन है मेरे हिसाब से। एंड मैं बता दूँ, जो बंदे बोल रहे थे ये गरीना ने खुद डिज़ाइन किया है, हाँ डिज़ाइन किया है गरीना ने, मैं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ इसका सेम क्लोन है फोर्टक्राफ्ट और क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा एक गन है, उसका मतलब मैंने उस वीडियो में बोला था, उसका मतलब जैसा मतलब सेम एक गन है। तो मतलब इसका जो एमओ का चेंजेस वो नहीं बोलूँगा, देख सकते हो 181 डैमेज मिला एक गोली और दो गोली बंदा ख़त्म। तो अगर आप जूम करके मारते हो तो इसका डैमेज ऐसा होगा,
एंड विदाउट जूम करके आप अगर गोली चलाते हो तो उसको सिंपल मतलब 22-25 ऐसे ही मतलब नॉर्मल जो SMG गन डैमेज देता है कुछ इस तरह ही होगा। और अगर आपने इसको जूम करके 100% पूरा पावर फुल लोड करके गोली किया तो बंदे का पूरा काम खत्म। आपने अभी अभी देखा होगा बंदे ने बिना जूम करके गोली किया तो उसमें 25-27 ऐसा डैमेज दिया है। एंड अगर आप जूम करके गोली मारते हो तो बंदे के ऊपर मतलब 2 गोली काफ़ी है एक बंदे को ख़त्म करने के लिए। तो ये मतलब एक बढ़िया सा गन है, आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा गन अभी तक दूसरे गेम पे है, लेकिन हाँ उसका कुछ मतलब जो रिकॉइल का अलग स्टाइल है तो वो मतलब इस गेरिना ने कुछ नया किया उसके लिए बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे जो ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स की तो बात ही नहीं कर सकते। अगर आप PC में खेलते हो तो आपको लगेगा यार ये PC गेम है, मोबाइल गेम नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे मतलब जो भी आप मिट्टी देख सकते हो कैसे मतलब कितने मतलब अच्छे तरीके से इसको मतलब ये कर दिया गया है। और यहाँ पे भी एक जिप लाइन है हमारा पिक का इस लेफ्ट साइड में भी, यहाँ पे मिनिमम पिक के साइड में 3 या तो 4 जिप लाइन जोड़ दिया गया है, सीधा इधर से लेके मिल तक, और मिल से पिक से लेके बीमा शक्ति, और पिक से लेके क्लॉक टावर, और पिक से लेके पोचिनोक, ठीक है। तो ये मतलब लगा दिया गया है, एक अच्छा चीज़ है क्योंकि यहाँ से मतलब हमने बहुत बार ट्राई किया था बंदा ऊपर से आने के लिए नीचे से जाने के लिए, आपको भी पता होगा बहुत समय लगता है। तो ये जिप लाइन जाता है हमारा पिक का जो साइट है वो कौन सा साइट था मैं भूल गया, पिक का जो ये लेफ्ट साइड से लेके सीधा नीचे जो हमारा मिल है मिल के साइड तक जाता है, ठीक है। जो मिल का नीचे उधर रास्ता होता है वो रास्ते के पास ही ये जिप लाइन जाता है। तो ये इंडोनेशिया का अपडेट है, इंडोनेशिया में आ चुका है, दूसरे सर्वर में भी आ चुका है, बस इंडिया में आने का थोड़ा देरी है। तो आई होप कि इंडिया में 8 मई तक या तो उसके बाद भी आपको शायद देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ ये महीने में अपडेट आ जाएगा मेरे हिसाब से। गेरिना थोड़ा काम मतलब इसमें थोड़ा और समय लगता है तो इसलिए मतलब थोड़ा ग्राफिक्स भी और हाई कर दिया, तो उसमें भी तो वो लोग कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है वो लोग ये देख रहे हैं तो उनका मतलब पूरा क्लियर करने के बाद ये अपडेट लॉन्च कर देगा। सो बढ़िया है यार, आपको एक PC का मतलब PC की तरह एक मतलब गेम खेलने को मिलेगा अभी जो अपडेट आएगा। क्योंकि अगर आप 2017 की बात करें तो 2017 में ये गेम नहीं था, बस एक कार्टून था, लेकिन आज के ज़माने की बात करें तो ये एक रियलिस्टिक गेम हो चुका है जैसे कि PUBG है। और मैं बता दूँ ये जो अभी एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स आया था वो क्या काम करता है मैं बता दूँ, मैं उस वीडियो में गलत बोल दिया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये मतलब आपको बताएगा कि नेक्स्ट जोन कहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो ये बताएगा कि आपका नेक्स्ट जोन कहाँ पे बनेगा, तो इसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको बता देगा कि ये नेक्स्ट जोन कहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये जिपलाइन आपका पिक के उस पीछे से भी आता है, तो जिपलाइन के बारे में बता दूंगा बाद में, जिपलाइन आपको पता चल जाएगा आने के बाद। एंड मैंने बता दिया आपको वो जो इन्फॉर्मेशन बॉक्स है वो कोई मतलब एनिमी से बात करने का कोई मतलब लफड़ा नहीं है, बस वो आप यूज़ कर सकते हो, रैंडमली कहीं पे भी मिल जाएगा, मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं पे भी जैसे एमओ मिलता है मेडिकेट मिलता है ऐसे ही आपको रैंडमली कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका काम है नेक्स्ट जोन कहाँ बनता है, ठीक है। तो कोई कोई बंदे होते हैं रैंक पुश करने के लिए बहुत मतलब उनका सेफ खेलना चाहते हैं, ज़्यादा मतलब अटैक करना नहीं चाहते, छुप छुप के खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा सामान है, उनको पता चल जाएगा कि जोन कहाँ पे है तो वो लोग जाके पहले से बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड बता दूँ गन भी ऐसे ही आपको रैंडमली मिलेगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो भी गन आपको रैंडमली मिल जाएगा। एंड जो ग्राफिक्स एकदम हाई लेवल का हो चुका है, इसका मतलब हम कोई मतलब ये नहीं कर सकते। जिपलाइन भी आ चुका है, सब कुछ एक्टिवेट हो चुका है, बस हमें अपडेट की बाकी है, अपडेट कब तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है यार मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अभी तक जो अपडेट आया है उसमें से बहुत बढ़िया अपडेट यही रहेगा मेरे हिसाब से। एंड जिस बंदे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ क्लिक कर देना, एंड इस चैनल पे हर चीज़ का एक सलूशन मिल जाएगा। और मैं नया कुछ करने वाला हूँ तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लाइक कर दो और शेयर कर दो, शेयर ज़रूर करना है, हर किसी के पास ये अपडेट पहुँच जाए तो बढ़िया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड इस गेम का मतलब मैं इंडोनेशिया से ही लिया हूँ, दूसरा वीडियो है इसलिए मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और गाइस मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में नया कुछ लेके, तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। तकलीफे हर वक्त सहता क्यों परंपरा नहीं है फिर हूँ मैं संस्कारी सड़क पेरे का सिका मैंने पड़ू तुझके भारी बहुत भारी मेरा काम भारी तू खाली जानकारी यारों रख के सिग्नल पे सोता हूँ ले ले जानकारी।